नमस्कार, मैं चेतन पाल उसकेल और आईटीआई से। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं कि मेजरिंग टूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का नया टॉपिक है कि वीक नंबर टू में हम लोग टॉपिक नंबर सिक्स पढ़ रहे हैं अभी। तो मैं आप लोगों को अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को कुछ टॉपिक, कुछ डाउट्स जितना हो सके उतना क्लियर करके दे रहा हूँ। तो आज नया टॉपिक है हमारा मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स में। एक मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स है जो जिसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडर। तो डिवाइडर का मतलब होता है विभाजन। तो डिवाइडर आप लोगों को सबको पता होगा कि आप लोग जब छोटे थे तो पहली दूसरी क्लास से आप लोगों को कंपास बॉक्स आपने यूज किया होगा। वो कंपास बॉक्स में आप लोगों के पास डिवाइडर होता था, तो वो डिवाइडर का उपयोग क्यों होता था आप लोगों को पता होगा। लेकिन हमारी फील्ड में, हमारे फिटर ट्रेड में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो इसका क्या काम है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, डिवाइडर की सिंपल मैंने एक डायग्राम ड्रा की है। ये डायग्राम भी समझ के लेंगे, डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ लेंगे, और बाद में डिवाइडर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसकी पूरी जानकारी लेंगे। ये किस मटेरियल से बनता है, इसकी वर्किंग करने की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार इसको यूज करना चाहिए, इसको यूज करते समय सेफ्टी एंड प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए, ये मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। तो इधर ध्यान दो कि मेजरिंग टूल्स ये क्या होते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को। ये हमारा जो टॉपिक चालू है वो मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स चालू है। तो मेजरिंग टूल्स में सबसे पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को स्टील रूल का पढ़ाया था, जिससे मैंने माइक्रोन की वैल्यू समझा के दी थी, वो कम से कम कितने माइक्रोन तक मेजर करती है, और माइक्रोन वो लिखते समय कैसे लिखना है ये भी मैंने आप लोगों को समझा के दिया था। तो अभी हमारा जो टॉपिक चालू है वो दोनों भी कॉमन टॉपिक चालू है, जिसको मेजरिंग टूल्स एंड मार्किंग टूल्स कहते हैं, जिसमें कैलिपर वगैरह आएंगे। जो कैलिपर्स है, तो सबसे पहला जो हम लोग मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स में डिवाइडर है, ये डिवाइडर को हम लोग मार्किंग टूल्स बोलेंगे। और ये मेजरिंग टूल्स भी है। तो मेजरिंग टूल्स कैसे है, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के डायमेंशन दिए हुए नहीं है। तो सबसे अधिक प्रयोग इसका मार्किंग के लिए किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, मार्किंग टूल कहेंगे। तो डिवाइडर पढ़ते समय आप लोग डायग्राम की तरफ अभी ध्यान दो, मैं डायग्राम समझा के देने वाला हूँ, बाद में आप लोगों को इसके कुछ एक एक जो पॉइंट्स है वो सब क्लियर करूंगा। तो डायग्राम की तरफ ध्यान दो, ये इस प्रकार का एक डिवाइडर होता है। ये डिवाइडर जनरली दो प्रकार का होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं प्रकार ये दो होते हैं, एक फर्म ज्वाइंट होता है और दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। सबसे पहले हम लोग इसके टाइप्स का डाउट क्लियर कर लेंगे कि स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो यहां पर देखो आप लोगों को फर्म ज्वाइंट डिवाइडर है ये यहाँ पे दिख रहा है, और जो स्प्रिंग ज्वाइंट है यहाँ पर दिख रहा है। ये दोनों का जो अंतर है ये समझने के लिए सबसे पहले समझ लो इसका मेन डिफरेंट क्या है। तो इसमें ये ऊपर की स्प्रिंग लगी है, इसका माप हम लोग फिक्स करके रख सकते हैं, जहां पर एडजस्टिंग नट है, और ये एडजस्टिंग नट और नर्लिंग नट है, इसको हम लोग एडजस्टिंग नट भी बोल सकते हैं, ये एडजस्टिंग नट है। तो एडजस्टिंग नट की सहायता से जब भी डिवाइडर में हम लोग माप को फिक्स करेंगे, तब माप को फिक्स करने के बाद वो माप कम या ज्यादा होने की संभावना नहीं होती। ये एडजस्टिंग नट की सहायता से अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों को डिवाइडर में 10 mm 10 mm डायमेंशन सेट करना है, तो वो डायमेंशन फिक्स रहेगा, वो मार्किंग करते समय कम या ज्यादा होने की संभावना नहीं होती। ये एडवांटेज किसका है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का। और फर्म जॉइंट कैलिपर में किसी भी प्रकार का स्प्रिंग नहीं होता। तो इसमें एक नट की सहायता से दो लेग को, ये लेग है, ये इसके क्या है, लेग है, दो लेग को जोड़ा जाता है, ये हो गया फर्म जॉइंट। तो आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट जो डिवाइडर होता है इसमें क्या अंतर है, जिसमें इसका माप गलत होने की संभावना नहीं होती है। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं, तो इसमें जो डायमेंशन सेट किया है वो कम या ज्यादा होने की संभावना अधिक होती है। तो ये हो गया, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट। तो ये किस लिए, कैसे पहचानना है, स्प्रिंग जॉइंट में ऊपर की साइड में स्प्रिंग लगा होता है और फर्म जॉइंट में स्प्रिंग नहीं लगा होता है, इसको एक सादे रिवेट की सहायता से या नट की सहायता से
जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद समझ लो कि ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर के पार्ट ऑफ डिवाइडर मैं आप लोगों को अभी समझा के दूंगा कि एक डिवाइडर में कितने प्रकार के पार्ट होते हैं। तो पार्ट में देखो, ये ऊपर एक स्प्रिंग को एडजस्ट करने के लिए ऊपर जो दिया हुआ है, जिसको नर्लिंग नट है, जिसको पेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेग। ये आप लोगों को मैंने अभी बताया, इसको स्प्रिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। बाद में ये बीच में दो लेग के बीच, ये लेग है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये लेग, लेग मतलब पैर, ये डिवाइडर के क्या है? पैर है। तो ये उसका सेंटर है, दोनों लेग का सेंटर है। एक बॉल है जो रोलर है, जो रोलर फलक्रम मतलब क्या होता है? फलक्रम का मतलब लीवर पड़ा होगा आप लोगों ने, तो लीवर का फलक्रम मतलब उसका सेंटर होता है। जब हम लोग कोई वस्तु गिनते हैं, वस्तु का वजन गिनते हैं, तो उसका फलक्रम एकदम सेंटर में होना जरूरी है। जो तराजू बोलते हैं, वो तराजू को, तराजू से हम लोग कोई वस्तु को तोलते हैं, तो उस तराजू से तोलते समय उसका अगर फलक्रम मतलब सेंटर बराबर नहीं है, तो उसका कोई भी वजन या वेट बराबर नहीं आता। तो उस प्रकार ये रोलर है, रोलर को क्या कहते हैं? फलक्रम भी कहते हैं, जो डिवाइडर को दोनों भागों में विभाजित करता है। उसके जो लेग होते हैं वो समान साइज में दोनों भी खोलता है और समान साइज से वो बंद करता है। ये काम होता है फलक्रम का। तो फलक्रम के बाद ये एडजस्टिंग नट है, पूरा क्या है ये? एडजस्टिंग नट है। जो लेग हम लोग खोलते हैं उसको कितना मेजरमेंट उसमें सेट करना है, उसको फिक्स करने के लिए ये एडजस्टिंग नट या नर्लिंग नट को, इस नर्लिंग नट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर नर्लिंग का मतलब क्या है? नर्लिंग मतलब एक धातु के ऊपर, एक धातु के ऊपर कुछ रफ सरफेस होती है, रफ, क्योंकि ये हाथ से पकड़, हाथ से जब पकड़ते हैं हम लोग तो उसको घुमाते समय हाथ फिसलना नहीं चाहिए, इसलिए वहां पर कुछ नर्लिंग की हुई होती है। तो यह है नर्लिंग, नर्लिंग नट। तो इसको बार बार एडजस्ट करने के लिए नर्लिंग नट लगाया होता है, उसको एडजस्टिंग नट भी कहा जाता है। तो एडजस्टिंग नट के पहले एक वाशर लगा होता है, ताकि हम लोग एडजस्टिंग नट को अच्छे से एडजस्ट कर सके, उसका कोई भी इफेक्ट, प्रभाव ये लेग के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक वाशर का प्रयोग करेंगे, वाशर का प्रयोग। तो ये दोनों भी मैंने एक और दो, ये क्या है? लेग, लेग मतलब पैर, आप लोगों को बताया मैंने। और ये जो नीचे की तरफ दिया है इसको बोलते हैं पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोगों को किसका है? पॉइंट का है। तो ये पॉइंट बिल्कुल एकदम शार्प होने चाहिए। पॉइंट कैसे होने चाहिए? शार्प होने चाहिए, तभी हम लोग आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। और एकाधी जॉब के ऊपर अगर मार्किंग करते हैं तो उसकी मार्किंग दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेटल का टुकड़ा है, इसके बीच में ये उसका सेंटर है। तो सेंटर में अगर हम लोगों को डायमीटर 20 mm का सर्कल बनाना है, ये ऐसे डायमीटर 20 mm का सर्कल बनाना है, तो हम लोग इस डिवाइडर में 10 mm सेट करेंगे। डिवाइडर में कितना mm सेट करेंगे? 10 mm, क्योंकि 20 mm ये डायमीटर हो गया, इसका r, r मतलब रेडियस। तो 20 का डायमीटर 20 का आर कितना होगा? 10। तो जब हम लोग डिवाइडर में 10 mm या 10 mm सेट करेंगे तो वो कितने mm का सर्कल बनाएगा? 20 mm का सर्कल बनाएगा। तो माप लेते समय आप लोग ध्यान रखना है कि डिवाइडर में कितना मेजरमेंट लेने के लिए, कितने का सर्कल बनाने के लिए कितना mm सेट करना है। कितना भी डायमेंशन हो उसका हाफ सेट करना है। तो हाफ ये क्या है? उसका आर है। आर का मतलब होता है रेडियस। आर का मतलब होता है रेडियस। ओके, तो ये हुआ टोटली स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। तो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर के मैं एक और एक बात बताना चाहता हूं कि इसकी साइज क्या होती है, किस साइज में उपलब्ध होते हैं, उसकी साइज कहां से कहां तक गिनी जाती है। तो इसकी साइज है, ये रोलर से लेके पॉइंट तक गिनी जाती है। तो ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होता है, ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होता है। तो ये है स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, और ये है फर्म जॉइंट। तो इसका भी सेम उपयोग है, लेकिन दोनों का डिफरेंट मैंने आप लोगों को बता के दिया। अभी शॉर्टली आप लोग लास्ट में देखो कि सबसे पहले देखो ये क्या है, इसको मार्किंग टूल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मार्किंग टूल्स, क्योंकि ये अधिकतर इसका जो प्रयोग है वो मार्किंग करने हेतु होता है, इसीलिए इसे मार्किंग टूल कहा जाता है। बाद में देखो मार्किंग
सर्कल बनाने के लिए, ये बताया था मैंने, या चौक लगाने के लिए, या रेडियस लेते समय हम लोग चौक मारते हैं तब चौक लगाने के लिए, या बराबर दो भागों में बांटने के लिए इस डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। बाद में देखो इसके टाइप्स, टाइप्स मैंने बता दिया आप लोगों को, ये टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट होता है और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट होता है। ये फर्म जॉइंट डिवाइडर है और ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। बाद में देखो नंबर 14 पॉइंट, जो ये साइज कितनी कितनी साइज में उपलब्ध होता है, ये 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm या 200 mm की साइज में उपलब्ध होता है। और इसकी साइज कैसे गिनी जाती है, इसके रोलर से लेके पॉइंट तक इसकी साइज गिनी जाती है, तो उतनी साइज में ये डिवाइडर उपलब्ध होता है। बाद में देखो इसका मटेरियल, ये मटेरियल कैसे बनता है कि किस धातु से बनता है, मटेरियल का मतलब होता है धातु, तो किस धातु से बनता है, इसको साधारणतः माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। माइल्ड स्टील का मतलब होता है कच्चा लोहा। माइल्ड स्टील का मतलब क्या होता है, कच्चा लोहा, ये लोहा इतना मजबूत नहीं होता तो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो माइल्ड स्टील का बनाने के बाद हम लोग मार्किंग करते समय इसके जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो पॉइंट ब्रेक नहीं होने चाहिए, इसलिए इसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। अभी ये हार्ड एवं टेम्पर क्या है, तो हार्डनिंग मतलब इसको आग में उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करके उसको पानी में ठंडा किया जाता है, ताकि इसका जो जो जॉब की संपर्क में आने वाला पॉइंट है, ये जो शार्प पॉइंट है, वो शार्प ही रहना चाहिए, मार्किंग बराबर आनी चाहिए, इसलिए इसके पॉइंट को क्या किया जाता है, हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। तो बाद में देखो नंबर 6, दोनों पॉइंट शार्प और नुकीले होने चाहिए। हम लोग एक परफेक्शन आई एक्यूरेसी में अगर डिवाइडर से मार्किंग करनी है तो इसके जो दोनों पॉइंट है वो ज्यादा नुकीले होने चाहिए, धारदार होने चाहिए। तो ये हुआ लास्ट पॉइंट। तो मैंने आज आप लोगों को मार्किंग एंड मेजरिंग टूल में मार्किंग एक पहले नंबर का जो मार्किंग टूल है डिवाइडर, इसके बारे में बताया है। और इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, इसका मटेरियल, उसका यूज कहां पर होता है, इसके दो बराबर भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर जो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। धन्यवाद।